Dear student, assalamu alaikum. I am Noreen and I am your Urdu teacher of class 4th. Students, I hope you are all well with your family at your home. So, I started the lecture of Urdu. Students, आज हम मज़मून के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून क्या है. ठीक है, मज़मून कोई भी आपको कोई टॉपिक जैसे मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरी बिल्ली या कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए तो उस पर कम से कम 8 से 10 सत्रें लिखी जाती हैं. ठीक है, उसको मज़मून कहा जाता है. टुडे आवर टॉपिक इज इल्लामा इकबाल. आज हम इल्लामा इकबाल पर मज़मून लिखेंगे. स्टूडेंट्स, इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं. वो 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए. उन्होंने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की. इल्लामा इकबाल ने सियालकोट से FA तक तालीम हासिल की. उन्होंने BA और MA का इम्तहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया. फिर आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए. आप इंग्लिस्तान से जर्मनी गए जहां से PhD की डिग्री हासिल की. वतन वापस आकर वकालत शुरू की. इल्लामा इकबाल का रुझान शायरी की तरफ था. वो बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद देखना चाहते थे. उन्होंने शायरी के जरिए मुसलमानों में आज़ादी हासिल करने की लगन पैदा की. उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया जिसकी वजह से इन्हें मुफक्कर पाकिस्तान और मुसव्वर पाकिस्तान कहा जाता है. इल्लामा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ. आपका मज़ार भी लाहौर में है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई अपने पास से इसकी कोई लाइनें आती हैं ये याद हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर मुश्किल अल्फाज के मायने दिखाऊंगी. आपने उनको अंडरलाइन करके मीनिंग्स लिखने हैं. अल्फाज मानी है रुझान, तवज्जा, रुझान तवज्जा, लगन शौक, तसव्वुर ख्याल, मुफक्कर सोचने वाला या इल्मदान, मुसव्वर पाकिस्तान पाकिस्तान का खालिक, मुसव्वर पाकिस्तान पाकिस्तान का खालिक. ये आपने मजमून में अंडरलाइन करके इनके मीनिंग्स लिखने हैं और अच्छे तरीके से इनको याद करना है. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज बीन प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट विद दोज ऑन वर्कबुक. अल्लाह हाफिज़.